तो हे गाइस, मैं आपका डीजे प्रीतम और डीजे प्रीतम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टेंजर पीवीटी 501 का ओपन रिव्यू, क्या क्या कंपोनेंट्स लगा है अंदर पे वो देखेंगे इस वीडियो पे। तो वीडियो पे बने रहे, चलिए मिलते हैं वीडियो पे। तो गाइस, ये रहा एम्पलीफायर। इसको अभी ये ढकना जो है ढक्कन, इसको खोलेंगे। तो गाइस खोलते हैं, फटाफट खोल लेते हैं। तो गाइस ये देखिए, दिस हैपेंस टू बी स्टेंजर पीवीटी 501 ओपन रिव्यू। तो देखिए गाइस, यहाँ पे दो कैपेसिटर है बड़ा वाला, और ये ट्रांसफार्मर आपका पावर का, पावर सप्लाई का, और यहाँ पे रहता है ट्रांजिस्टर, और ये है आपका गैन ट्रांसफार्मर। ये ओरिजिनल स्टेंजर है, और यहाँ पे ट्रांजिस्टर कितना रहते देख लेते हैं। बहुत दिन से खुला हुआ नहीं है तो इसमें धूल लग गया है। इसमें ट्रांजिस्टर आपका 1 2 3 4, चार चार आठ, इस साइड 8 और इस साइड 8, 8 8 16। तो यहाँ पे टोटल जो है ट्रांजिस्टर 16 पीस ट्रांजिस्टर रहता है पीवीटी 501 पे। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फैन रहता है, और यहाँ पे पावर, ये आपका ओवरलोड का स्विच यहाँ पे पीछे की तरफ, और यहाँ पे देखिए ड्राइवर बोर्ड इधर रहता है, ये रहा ड्राइवर बोर्ड। और यहाँ पे ये वॉल्यूम बोर्ड, ये वाला वॉल्यूम बोर्ड, और यहाँ पे आउटपुट और इनपुट का, ये तो मालूम ही है आप लोगों को। इसमें कैपेसिटर हेवी रहता है, दो कैपेसिटर बहुत हेवी है, और देख सकते हैं अंदर में कुछ इस तरह। ये रहा इसका टेम्परेचर का सॉकेट, अगर टेम्परेचर बहुत हीट हो जाता है तो सामने जो टेम्परेचर का इंडिकेटर है वो शो करता है। और इसका जो मेन ओवरलोड या टेम्परेचर मारने का मेन जो कारण है वो हम इस वीडियो में बताएंगे। तो क्यों मारता है वो आज जानकारी देंगे, जो आज तक किसी ने नहीं दिया है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और तो चलिए वो बताता हूँ मैं। स्टेंजर बहुत लोग बोलते हैं जो स्टेंजर 501 701 ओवरलोड मार देता है, तो उसका मेन रीज़न ये है गाइस, ये पीछे जो पंखा लगा हुआ रहता है, ये पंखा, ये क्या लगा हुआ था कंपनी की तरफ से, इधर का जो गर्म हीट है वो बाहर निकलाएगा। तो हम क्या करते हैं, मेरा जितना भी एम्पलीफायर में है वो पंखा जो है ना, मैं उल्टा कर देता हूँ, मतलब बाहर का ठंडा हवा जो है वो अंदर जाएगा। तो ये जो है ये पूरा ठंडा होगा, क्योंकि शुरू से ही ठंडा हवा यहाँ पे जाते रहता है अंदर, तो ये इसको हीट जल्दी होने नहीं देगा। और कंपनी क्या करता है, फैन जो है उल्टा लगाता है, मतलब सीधा लगाता है कि इधर का जो गर्म हीट है वो बाहर निकलता है। कितना देर तक बाहर निकलेगा यार, ये तो गर्म होते रहेगा ना। तो इसके लिए जो नया नया बंदा है उन लोगों का पीवीटी 501 ओवरलोड मार देता है।
नहीं तो टेम्परेचर मार देता है। तो गाइस आप लोग ये जो पंखा है इसको खोल के उल्टा कर दीजिएगा ताकि बाहर का ठंडा हवा अंदर जाए, तो इससे क्या होगा आपका एम्पलीफायर ओवरलोड या टेम्परेचर नहीं मारेगा। यह 100% मेरा एक्सपीरियंस है और अभी तक मेरा जितना भी एम्पलीफायर है किसी भी एम्पलीफायर पे ओवरलोड नहीं मारा है जब तक ये उल्टा कर दिया हूँ मैं। तो मेरा सब एम्पलीफायर में उल्टा है, देखिएगा ये देखिए यहाँ पे ये जो स्टिकर है ना, ये स्टिकर अभी अंदर चला गया, नहीं तो यहाँ पे स्टिकर रहता है, दिखा जा सकता है बाहर से। तो आप लोग ये ज़रूर करिएगा, कोई भी यूट्यूबर ये जानकारी नहीं दिया है, आज मैं बता दिया हूँ वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग ज़रूर करके देखिएगा। तो फाइनली गाइस हम दिखा दिए हैं वीडियो पे ओपन रिव्यू और ये भी बता दिए कि किसी किसी का जो नया एम्पलीफायर खरीदते हैं उसका ओवरलोड क्यों मारता है। वो पंखा जो है पंखा उल्टा कर दीजिएगा खोल के, तो आप लोगों का जो है ओवरलोड का जो प्रॉब्लम है, टेम्परेचर का जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ही नहीं करेगा। मैं बहुत साल से चला रहा हूँ, पंखा उल्टा कर दीजिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व। PBT 701 हो या PBT 501 हो या 801 हो, कोई भी एम्पलीफायर स्टेंजर का पंखा वाला अगर अंदर से गर्म हवा बाहर निकाल रहा है उस फैन को उल्टा कर दो, बाहर का जो तेज़ हवा है मतलब ठंडा हवा उसको अंदर आने दीजिए, तब ये ओवरलोड का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, बिंदास चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो पे, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें। बाय बाय।